नज़ीर अकबर आबादी से मुतक चंद बातें पहला पॉइंट नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश सत्रह सौ पैंतीस में हुई दूसरा पॉइंट नज़ीर का पूरा नाम वली मोहम्मद था और तखल्लुस नज़ीर तीसरा पॉइंट नज़ीर दहली में पैदा हुए लेकिन सत्रह सौ में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ के साथ आगरा चले आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए चौथा पॉइंट नज़ीर के वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक था पाँचवा पॉइंट नज़ीर से पहले उनके बारह भाई बहन थे जो फौत हो चुके थे नज़ीर फ़ारूक़ साहब की तहरवी औलाद थी छठा पॉइंट नज़ीर की इब्तदाई तालीम कुरान शरीफ और फारसी की तालीम हासिल थी नज़ीर ने फारसी में अच्छी इस्तादात पैदा कर ली थी सातवा पॉइंट नज़ीर उर्दू पंजाबी भाषा मारवाड़ी और हिंदी जबान से अच्छी तरह वाकिफ़ थे आठवां पॉइंट नज़ीर आगरे में लड़कों को पढ़ाते थे उनकी उम्र का बड़ा हिस्सा पढ़ाने में गुजरा नवा पॉइंट नज़ीर की शादी दिल्ली के मुआज़ आदमी अब्दुलरहमान ख़ान चगतई की नवासी तहवरुन नसा बेगम से हुई दसवा पॉइंट नज़ीर की दो औलादें थीं एक लड़का गुलजार अली और एक लड़की इमामी बेगम ग्यारहवा पॉइंट नज़ीर ने उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया बारवा पॉइंट नज़ीर अकबर आबादी मीर तकी मीर के हम असर थे तेरहवा पॉइंट नज़ीर अकबर आबादी उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर हैं चौदहवा पॉइंट नज़ीर की जिंदगी और तखलीकात पर एक ड्रामा ड्रामा आगरा बाजार हबीब तनवीर ने योम नज़ीर के मौके पर लिखा और पहली मरतबा जामिया मिलिया में खेला गया पंद्रवों पॉइंट नियाज फतेहपुरी ने नज़ीर को चुटक्रेबाज शायर कहा है सोलवा पॉइंट नियाज फतेहपुरी ने नज़ीर के बारे में कहा था कि यहाँ कबीर के अखलाक और खसरों के जहन का एक दिलकश इम्तज़ाज़ मिलता है सत्रहवां पॉइंट नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है बकौल कलीमुद्दीन अहमद अठारव पॉइंट नज़ीर किसी भी दबिस्तान से मुतालिक नहीं थे ना दहली से ना लखनऊ से उन्नीसवा पॉइंट नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है बकौल शमशुर रहमान फारूक़ी बीसवा पॉइंट नज़ीर की नज़म कलजुग को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के अहदनामा के ममासिल करार दिया है इक्कीसवा पॉइंट नज़ीर पतंगबाजी कबूतरबाजी बटेरबाजी कबड्डी शतरंज वगैरह खेल खेला करते थे इन सब का जिक्र उनकी शायरी में मिलता है बाईसवां पॉइंट नज़ीर दिवाली होली ईद शबरात बसंत राखी तैराकी सलीम का उर्स वगैरह सभी त्यौहारों को जोश और खरोश के साथ मनाते थे तेईसवा पॉइंट नज़ीर अकबर आबादी 6 अगस्त 1830 को इस सराय फानी से हमेशा के लिए रुखसत हो गए नज़ीर अकबर आबादी ने इस नजम में मुफलसी और इससे पैदा होने वाले हालात का जिक्र किया है इसके बदतरीन नतज पर रोशनी डाली है मुफलसी हमारे समाज की ऐसी लानत है जिसकी ज़िद में जो भी आया उसकी खैर नहीं नतज के तौर पर देखा जाए तो ग़रीबी से दो चार इंसान अपने बुनियादी फ़राइज को भूल जाता है वह इंसानी कदरों को भूल जाता है वो अपनी अमली कवतों से भी महरूम हो जाता है जिंदगी का बुनियादी मसला भूख है उसके इर्द गिर्द ज़िंदगी के दिगर तमाम मसाइल गर्दिश करते हैं तमाम समाजी जराइम इसी मसले की दीन है देन है इंसान चोरी करता है दूसरों का हक मारने के लिए मजबूर हो जाता है जुल्म और नाइंसाफी का चलन क्यों होता है ये सब इसी भूख और गरीबी की पैदा करता है और यही सबब है कि भूखे आदमी को चांद में भी रोटी नज़र आती है नज़ीर अकबर आबादी की नज्म मुफलसी के इब्ताई पाँच पंद जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलसी भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलसी कहिए तो अब हकीम की सबसे बड़ी है शाह तज़ीम जिस की करते हैं नवाब और खां, मुफलिस हुए तो हज़रत लकमान क्या है यहाँ ऐसा भी हो तो कोई नहीं पूछता मियाँ हमत हकीम की भी डुबाती है मुफलिसी जो अहल फजल आलिम फाजिल कहते हैं मुफलिस हुए तो कलमा तलग भूल जाते हैं पूछे कोई अल्फ तो उसे बेबतें हैं वो जो गरीब गरबा के लड़के पढ़ाते हैं उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलसी मुफलिस करे जो आन के मजलिस के बीच हाल मुफलिस करे जो आन के मजलिस के बीच हाल सब जाने रोटियों का ये डाला है उसने जाल गिर गिर पड़े तो कोई ना लेवे उसे संभाल मुफलिस में हुए लाख अगर इल्म और कमाल सब खाक बेच आके मिलाती है मुफलसी जब रोटियों के बटने का आकर पड़े शुमार मुफलिस को देवे एक तवंगर को चार चार मांगे घर और वो तो उसे झड़के बार बार इस मुफलिस का आह बया क्या करूँ मैं यार मुफलिस को इस जगह भी चबाती है मुफलिस नज़ीर की नज़म मुफलसी की इब्तदाई पाँच बंद थे हम अब हम आखिरी के पाँच बंद पढ़ते हैं हर आन दोस्तों की मोहब्बत घटाती है जो आशना है उनकी तोल्फत घटाती है अपनों की महर गैर की चाहत घटाती है शर्मो हया और, और हरमत घटाती है हाँ नाखून और बाल बढ़ाती है मुफलसी जब मुफलसी हुई तो शराफत कहाँ रही वो कदर ज़ात की वो निजाबत कहाँ रही कपड़े फटे तो लोगों में इज्जत कहाँ रही ताज़ीम और तवाज़े की बाबत कहाँ रही मजलिस की जूतियों पे बिठाती है मुफलसी मुफलिस किसी का लड़का जो ले प्यार से उठा बाप उसका देखे हाथ का और पाँव का कड़ा कहता है कोई जूती ना लेवे कहीं चुरा नटखट अचका नटखट अचका चोर दगाबाज घटकटा सो सो तरह के ऐब लगाती है मुफलिसी रखती नहीं किसी की रखती नहीं किसी की ये गैरत की आन को सब खाक में मिलाती है हुरमत की शान को सो मेहनतों में इसकी खपाती है जान को सो मेहनतों में उसकी खपाती है जान को चोरी पे आके डाले ही मुफलिस के ध्यान को आखिर नदान भीख मंगाती है मुफलिसी आखिर नदान दान आखिर निदान भीख मंगाती है मुफलसी दुनिया में ले के शह से ए यारो फ़कीर खालिक नफलिस में किसी को करे असीर अशराफ़ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या मैं मुफलिस की खराबी कहूँ नज़ीर वो जान जिसके दिल को जलाती है मुफलसी ये नज़ीर की नज़्म मुफलिस की इब्तदाई पाँचवन और ये आखिरी के पाँचवन थे नज़ीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा बहुत अच्छी नजम है इस नजम का मरकज़ी ख्याल यह है कि आदमी को अल्लाह ने अपने नाई बनाकर दुनिया में भेजा है जिस तरह अल्लाह की ज़ात में कोई बुराई नहीं इसी तरह इंसान की हकीकत में भी कोई बुराई नहीं लेकिन दुनिया में अच्छे काम करने वाला भी आदमी है और बुरे काम का बुरे काम भी आदमी कर रहा है और कोई दूसरा नहीं ये नजम इस बात का एहसास दिलाती है कि आदमी को अपनी हकीकत समझना चाहिए दुनिया में जो कुछ कर रहा है उसको नज़ीर ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है हर आदमी को पैदा करने वाला अल्लाह है तो फिर आदमियों के किरदार और उनकी हालतों में फ़र्क क्यों है आदमी ही बुराइयों और अच्छाइयों को पैदा करता है अब हम नज़ीर अकबर आबादी की नज़म आदमी नामा की इब्ता पाँच बंद पढ़ेंगे दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी कुतुब गौस वली आदमी हुए मुनकिर भी आदमी हुए और कुफ्र के भरे क्या क्या करश में कशफ कशफो कराम के हती के अपने और रियाजत के ज़ोर से खालिक से जा मिला है सो है वो भी आदमी फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का शद्दात भी बहशत बना कर हुआ खुदा नमरूद भी खुदा ही कहाता था बर मिला ये बात है समझने की आगे कहूँ मैं क्या यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी या आदमी ही नार है और आदमी ही नूर या आदमी ही पास है और आदमी ही दूर कल आदमी का हुस्न व कबाह में है या जहूर शैतान भी आदमी है जो करता है मकर जूर और हादी रहनुमा है और हादी रहनुमा है सो है वो भी आदमी मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी ये नज़ीर की नज़म आदमी नामा की इब्तई की पाँच बंद थे अब हम आखिरी के पाँच बंद पढ़ेंगे या आदमी ही लाल जवाहर है बेबहा और आदमी ही खाक से बदतर ही हो गया काला भी आदमी है और उल्टा है जो तवा गोरा भी आदमी है के टुकड़ा सा चांद का बदशक्ल बदनुमा है सो है वो भी आदमी एक आदमी है जिनकी ही कुछ जर्क बर्क है रुपए के उनके पांव हैं सोने के फ़र्क है झुमके तमाम गर्ब से ले ताबा शर्क है कम खाब ताश शाल दो शालों में गर्क है और चीथड़ों लगा है सो है वो भी आदमी एक ऐसे हैं कि जिनके पीछे हैं नए पलंग फूलों की सेज उन पे छमक झमकती है ताज़ा रंग सोते हैं लिपटे छाती से माशूक शोख शंग सो सो तरह से ऐश के करते हैं रंग ढंग और खाक में पड़ा है और खाक में पड़ा है सो है वो भी आदमी मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार नहला दुला उठाते हैं कंधे पे कर सवार कलमा भी पढ़ते हैं कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार उजार सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी अशराफ और कमीने से ले शाह वजीर है आदमी ही साहिब इज़्ज़त भी और हकीर या आदमी मुरीद है और आदमी ही हीर अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर और सब और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म आदमी नामा की आखिरी की पांच बंद थे अब हम बंजारा नामा नज्म में नहायत मौसर पैराए में ये फलसफिया निकात बयान किए गए हैं कि इंसान तमा और लालच में मुबला होकर हसूल ज़र की ख़्वाहिश करता है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है तकलीफें और मुसीबतें उठाता है यहाँ तक कि दौलत कमाने की धुन में वह मौत से बेखबर सा हो जाता है और फिर एक दिन मौत उसको आद बोजती है और उसका तमाम मालो साजो सामान सीम ज़र एजीज़ अकारिब हती कि उसकी औलाद भी उसके किसी काम नहीं आती और वो खाली हाथ इस दुनिया से रख्सत हो जाता है जिस दौलत को इकट्ठा करने के लिए वो देश विदेश मारा मारा फिरा इस दौलत को आखिरकार उसे छोड़ कर जाना पड़ा और उसके मरने के बाद उस दौलत से दूसरे मज़े उड़ाते हैं इस नजम का लबालब लब लबाब ये है कि जिस तरह बंजारा एक जगह कयाम नहीं करता उसको तर्क सुकूनत करना ही पड़ता है उसे तर्क सुकूनत करना ही पड़ता है इसी तरह इंसान भी इस दुनिया में मुसाफिर की तरह है आता है इस दुनिया में मुसाफिर की तरह आता है जिसे एक ना एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना होता है नज़र अकबर आबादी की नज़म बंजारा की पाँच बंद पड़ेंगे शुरू की दो बंद और आखिरी के तीन बंद नज्म बंजारा दुनिया का सब ठाट पड़ा रह जावेगा टुक हिर सो हवा को छोड़ मियाँ देश विदेश फिरे मारा कज़ा को अजल का लोटे है दिन रात बजा कर नकारा। क्या बुधिया भैंसा बेल शतर, शतर क्या गोई पिला सर भारा क्या गेहूँ चावल मोठ, मटर क्या आग धुआँ क्या अंगारा सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा गर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरे भारी है एक गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है क्या शक्कर मिसरी कनद गिरी क्या सांभर मीठा खारी है क्या दाख मुनक्का सोल्ट मिर्च क्या केसर लौंग सुपारी है सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा ये इब्तदाई बंजारा नजम के इब्तदाई दो बंद है अब आम आखिरी के तीन बंद पढ़ेंगे क्या सख्त मगा क्या सख्त मक़ा बनवाता है खम तेरे तनका है पोला तू ऊंचे कोट उठाता है वहाँ गढ़े ने मुँह खोला क्या रेनी खंदक रंद बड़े क्या ब्रिज बर्जकंगूरा अनमोला गढ़कोट रह कला तो शीशा दारू और गोला सब ठाट पड़ा रह जावेगा जबलाद चलेगा बंजारा हर आन नफा और टोटे में क्यों मरता फिरता है बन बन तो गाफिल दिल में सोच जरा है साथ लगा तेरे दुश्मन क्या लोंडी बांदी दाई दवा क्या बंदा चेला नेक चलन क्या मंदिर मस्जिद ताल कुएँ क्या घाट सिरा क्या बाग चमन सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा जब मर्ग फिराकर चाबुक को ये बैल बदन का हाकेगा कोई नाज समेटेगा तेरा कोई गौन सई गौन सिए और टाकेगा हो ढील हो ढेर अकेला जंगल में तो खाक लहद की फाँकेगा, इस जंगल में फिर आह नजीर एक भंगा आन न झाँकेगा सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा नज़ीर अकबर आबादी की नजम बंजारा आदमी नामा और मुफलसी के इब्तदाई पाँच बंद और आखिरी के पाँच बंद पड़े हैं अगर आपको मौका मिले तो इस नजम को पूरा पढ़े। बहुत अच्छी नजम है क्योंकि बड़ी बड़ी है इस वजह से मैंने इब्तदाई के पाँच बंद और आखिरी के पाँच बंद रखे हैं